हुई, तो 6 दिसंबर को हमें टेस्ट टेस्ट करा के पता चला कि उनको गुर्दे की बीमारी है, मतलब फेल हो गई है किडनी। और फिर उसका सर ने बताया कि डायलिसिस करवानी है, डायलिसिस करवाते करवाते भी परेशान हो गई। फिर हमें सर ने ही बताया था, अमित सर ने, कि गुर्दा बदला जा सकता है। फिर हमें, जैसे हमने बाहर से भी सुना कि गुड़गांव और दिल्ली में होता है, वहाँ का वो पूछा कि 15-16 लाख में, और वहाँ जाना, चक्कर काटना, फिर कोरोना आ गया बीच में, परेशान हो गए थे। फिर मेरी मौसी, मतलब मेरी मौसी तैयार हो गई थी अपना गुर्दा देने के लिए, कि उनकी बहन है। और फिर हम, जैसे सर को बोला कि हम वहाँ नहीं जा सकते, अब कोरोना हो गया, और वैसे भी हम इतने चक्कर काटने में परेशान हो गए थे, हर तीसरे दिन जाना, वहाँ जाँच करवाना, और इतने पैसे लगना। फिर सर, हमने, सर ने भी इतना प्रयास किया, और जो बड़े बड़े आदमी हैं, जैसे सिविल सर्जन सर है, या जो ADC सर है, या जो पूरे हरियाणा के जिनके हाथ में ये लाना था, वो यहाँ लेके आए, उनकी सबकी वजह से, या हॉस्पिटल की वजह से, सबकी वजह से हमारा ये गुर्दा, जो ऑपरेशन है गुर्दा बदलने का, ये हो पाया कोरोना केस में भी इतनी मेहनत से। फिर उसके बाद जैसे ही उनका बदल लगा, वो ठीक है, ये मेरे मुँह से इन्होंने बोल रही है ना। उनका सर खर्चा हुआ है 10-11 लाख हुआ है। सब ठीक है? हाँ जी, आप ठीक है सर। आप बताओ जी, आप आपने एक गुर्दा, आप सब के जाए, आपको डर नहीं लगा कि मैं एक गुर्दा दे रही हूँ कुछ हो जाएगा? अरे नहीं सर, मैंने ये सोचा था मेरी बहन। अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि 10-11 लाख रुपए जो गरीब आदमी है, किसान आदमी, उसके पास तो होते नहीं, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप किस तरह से उसका इलाज करते हैं? देखो, PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड, आयुष्मान भारत, हरियाणा गवर्नमेंट, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं, इंडिपेंडेंटली हेल्प करती हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंटली हेल्प करती हैं। धीरे धीरे हम दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर, जो जन सेवाएँ करती हैं उनके साथ मिलकर, इसकी कॉस्ट को बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो रोहतक में लाना बहुत हमारे लिए कठिन था, कुछ इम्पोर्ट करवाई थी हमारे यहाँ दवाइयाँ, तो अगर सरकार हमारी और हेल्प करेगी, शायद इन दवाइयों को और इस चीज़ को हम और सस्ता कर पाएंगे, और एक मच अफोर्डेबल, जैसे कहते हैं कि हम और इसको कम कर करवाएंगे, जैसे सरकार हमारी हेल्प करेगी। जैसे ट्रांसप्लांट के लिए बता, लेकिन डॉक्टर साहब प्राइवेट डॉक्टरों की तरफ या प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ लोग कम जाते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो एक ऐसी दुकान हो गई है कि जो ये कहें कि लोगों का बजट है वो गड़बड़ा जाता है। देखिए, बीमारी के बारे में ये कहना कि हम 2 रुपये लेके जा रहे हैं, 2 रुपये में बीमारी ठीक होगी, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। आज सबकी धारणा ये होगी, जी मैंने जो जेब में 100 रुपये है, 100 रुपये में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बीमारी, साइंस इतनी वास्ट हो गई है, लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही हैं, तो उन चीज़ों को कन्विंस करना सबके लिए तो बहुत मुश्किल है। किसी भी इलाज को सक्सेसफुल करने के लिए पहला चीज़ होती है विश्वास, पेशेंट का डॉक्टर पे विश्वास और डॉक्टर का पेशेंट पे विश्वास, जो इनका हम पे था और हमारा इन पे था। आज इन्होंने 10 लाख खर्च तो किए हैं, लेकिन इनको पता है कि ये दिल्ली और गुड़गांव के मुकाबले हम आधे रेट में कर पाए, इन्होंने विश्वास किया, अपनी जान हमारे हाथ में की, तो वही विश्वास किसी चीज़ को आगे लेके आता है। 100 के 100 पेशेंट को विश्वास दिला सकते हैं, 100 में से 90 पेशेंट को विश्वास दिला सकते हैं। डॉक्टरी अभी भी मानवता पे चलती है और मानवता पे ही चलती है। लेकिन सवाल भी उठते रहे, सवाल हमेशा उठते रहेंगे, आगे भी उठते रहेंगे, और शायद हम जितने पीजीआई में ठीक, हरियाणा में NCR को छोड़ के और कहीं और सुविधा ये उपलब्ध नहीं है। ये मशीन नहीं है, ये डॉक्टर्स की टीम है, वो हमने सरकार से परमिशन लेके, इस अगस्त में ही हमारे पास परमिशन आई थी, और हमने सरकार से परमिशन लेती है। इंस्पेक्शन होते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर टीम पूरी है, ये डॉक्टर कैपेबल है इस टीम को, इस ऑपरेशन को करने के लिए, जब भी परमिशन दिया। अच्छा, कोई मशीन ऑपरेशन में यहाँ पहुँचे हैं, और धन्यवाद उन मरीजों का, उस फैमिली का, जिसने हम पे विश्वास दिखाया कि हम रोहतक जैसे टायर सी सिटी में, छोटे शहर में, इस बड़े काम को कर दिखाएंगे, जिसमें शायद उस पेशेंट की बेटी जो हमारे साथ बैठी है, गुर्दा डोनेट करने के लिए जो उसकी बहन उनके सामने आई, सुषमा जी, हमारी टीम, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर बंधन, और हमारे सुप्रीम जो हमारे सीनियर, और डॉक्टर संदीप गुलेरिया जो चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन है अपोलो के अंदर, जिन्होंने हमें गाइड किया
ये ट्रांसप्लांट कैसे करना है, हमारी हेल्प करी इस चीज़ को पूरा करने में, मैं उस सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस टाइम में जहाँ गरीबी एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, जहाँ बड़े बड़े अस्पताल में खर्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, वहाँ हमने इसी काम को एक तिहाई खर्च में पूरा किया। सक्सेसफुली पेशेंट ट्रांसप्लांट होकर घर चला गया, एक बहन ने अपनी बहन को गुर्दा दिया, जो मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अंगदान महादान जिसको बोला जाता था, आज उसका लाइव एग्जांपल रोहतक में है। तो उन सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं, फैमिली का स्पेशली सुषमा जी का जिन्होंने अपनी बहन को गुर्दा दिया, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। मैं चाहता हूँ ये मैसेज सबकी तरफ जाए कि अंगदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, ये एक एग्जाम्पल आपके लिए, आपके थ्रू जनता के पास पहुंचेगा। आपके सामने वो मरीज बैठा है जो दानकर्ता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बहन को दिया, जिसने किडनी रिसीव की है बबली जी, वो आज हमारे बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ भीड़ में आए हमारे पास, उनको उनकी बेटी है जो खुद एक स्टाफ नर्स हैं आशा, वो रिप्रेजेंट करती है। तो मैं चाहता हूँ हमसे ज़्यादा उस फैमिली को धन्यवाद दिया जाए, उस फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, उस डोनर को आगे बढ़ाया जाए जिसने ये काम कर दिखाया है, जिसने हम पे विश्वास दिखाया है, जिसने हरियाणा में विश्वास दिखाया है, ये काम रोहतक में हरियाणा में पॉसिबल है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जो हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, ये भी इस बारे में कुछ बोले। डॉक्टर सुरेंद्र या एक गुर्दा डोनेट करने का अपनी बहन को, उन्होंने हमारे अंदर विश्वास जताया, उसके बाद उनकी फैमिली का बबली की फैमिली का जिन्होंने हमारे अंदर विश्वास जताया, उसके बाद पूरी ट्रांसप्लांट टीम का, क्योंकि ट्रांसप्लांट करना कोई एक आदमी का हंसी का खेल नहीं है, पूरी टीम को होना जरूरी होता है। और डॉक्टर अमित मान जो पिछले 2 से 3 साल से अथा मेहनत हर स्टेप पर बहुत सारी परेशानी आई लेकिन ये लगे रहे, तब जाके ये सपना साकार हुआ और हमारे हरियाणा के लिए, हमारे रोहतक के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये एक फैसिलिटी बहुत ही कम रेट्स पर हमारे शहर में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई दिल्ली गुड़गांव में पेशेंट ट्रांसप्लांट करवाता है उसको 3 दिन 4 दिन बाद हर बार वहाँ जाना पड़ता है, कम से कम पहले 2-3 महीने तो 2-3 दिन में विजिट करनी पड़ती है। यहाँ लोकल एरिया में या हमारी आसपास में अगर किडनी ट्रांसप्लांट है तो हम अपने बहुत सारे गुर्दे के मरीजों को जो कि बिना फैसिलिटी के ऐसे ही चले जाते हैं, उनको हम एक अच्छी ज़िंदगी जो हम बोल सकते हैं कि 100% सक्सेसफुल ज़िंदगी हम उनको दे सकते हैं अगर वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते। तो डॉक्टरी सलाह, आगे मैं सुषमा जी को